गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूँ इन्फोटॉक के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जियो ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही एक रेवोल्यूशन वाला काम कर दिया है। फ्रेंड्स, जियो जब से सिम कार्ड लेकर आया है तब से सब नेटवर्क प्रोवाइडर को अपने प्राइस कम करने पड़े हैं। फ्रेंड्स, मुझे याद है आज से 3 साल पहले हम सब 2 GB पर मंथ यूज किया करते थे, एंड फ्रेंड्स आज वही 2 GB पर डे भी हमें कम पड़ता। तो फ्रेंड्स, वही जियो है जिसकी वजह से हम आपके सामने है एंड हम रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियोस अपलोड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बिग सैल्यूट टू जियो। फ्रेंड्स, जियो सिम की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद रिलायंस ने अपने 41st एनुअल जनरल मीटिंग में जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको यही गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड रजिस्ट्रेशन की बात। तो फ्रेंड्स, ये ब्रॉडबैंड का रजिस्ट्रेशन हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट jio.com या तो फिर आपके फोन में माई जियो ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होने वाला है, तो जाइए एंड आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, आप जियो की वेबसाइट पे अपना एड्रेस या तो फिर अपना ऑफिस एड्रेस डालकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब वेबसाइट आपको एक OTP भेजेगा एंड उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जो एरिया या तो फिर जो सिटी में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए होंगे वो एरिया एंड वो सिटी में सबसे पहले गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोसाइटी या तो फ्लैट में रहते हो तो फ्रेंड्स आप जाके अपनी सोसाइटी एंड फ्लैट वालों को भी बोल सकते हो कि आप जियो गीगा फाइबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वैसे भी फ्रेंड्स, जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, तो आप जाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बता सकते हो कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ्रेंड्स, जियो गीगा फाइबर का इंस्टॉलेशन भी फ्री होने वाला है। हाँ, पर कंपनी उससे कस्टमर के पास से थोड़ा सा सिक्योरिटी अमाउंट की और एक थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट वो चार्ज करने वाली। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड की स्पीड के बारे में। तो फ्रेंड्स, जियो गीगा फाइबर 16 Gbps की स्पीड ऑफर करने वाला है एंड जियो क्लेम करता है ये स्पीड की हेल्प से हम 4K वीडियो को स्ट्रीम कर पाएंगे एंड यही नेटवर्क पे हम आसानी से VR गेम भी खेल पाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक रिलायंस ने ये गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की प्राइस के बारे में कुछ बताया नहीं है, पर फ्रेंड्स रूमर्स ये कहते हैं कि जियो अदर सर्विस प्रोवाइडर से हाफ प्राइस में हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड अदर ऑपरेटर की प्राइस अभी 700 से लेकर 1000 रुपये तक पर मंथ चल रही है। तो फ्रेंड्स, शायद जियो गीगा फाइबर हमें 500 रुपया पर मंथ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, और कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर्स की कंपैरिजन में ये जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड हमें बहुत ही सस्ता मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये जियो गीगा फाइबर कब हमें अवेलेबल होगा ये भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट फ्रेंड्स हमारे सूत्रों के अनुसार शायद ये सर्विस हमें इस दिवाली 7 November को लॉन्च हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जियो का गीगा फाइबर कब अवेलेबल होता है। एंड फ्रेंड्स, अभी जियो गीगा फाइबर का ट्रायल कंट्री में 10,000 से भी ज़्यादा घरों में चल रहा है, तो शायद बहुत ही जल्दी हमें जियो गीगा फाइबर का सर्विस मिल जाए। फ्रेंड्स, जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड में हमें उसका ही राउटर भी मिलेगा जिसका नाम है जियो गीगा राउटर, एंड जब ये हम परचेज करेंगे तो उसी की ओर से जियो की ओर से गीगा टीवी सेटअप बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा एंड ये सेटअप बॉक्स में हमें स्मार्ट रिमोट मिलेगा जिससे हम वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे एंड वही रिमोट वॉइस नेविगेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, यही बात है जियो गीगा फाइबर के ब्रॉडबैंड सर्विस का। आप जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो हर रोज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।